ये कहा जा सकता है कि सभी देशवासी गुजरात का नमक खाते। मैंने यह भी कहा कि ये चमचागिरी ही। राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुझे निकल गया, राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। But she represents a very evil philosophy of it. आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में कभी नहीं बोलती है। और मैंने यह भी कहा कि ये चमचागिरी ही है। मैं सीधे संवाद उनसे कर रहा हूँ, एक आदिवासी दलित प्रतिनिधि के तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पे नहीं। और जब मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया गया तो आदिवासी आदिवासी कहा गया, वोट लिया गया आदिवासी आदिवासी कह के, अभी भी आदिवासी राष्ट्रपति कहते हैं। तो उनकी एक पहचान राष्ट्रपति के तौर पर, वहाँ मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जहाँ तक हमारे प्रतिनिधि हैं हम उनसे सवाल करेंगे। पूरी बात सुन ले, चमकती रात में चमकते हुए चमगादड़ के छोटे। मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि इनका कौन सा आधिकारिक प्रवक्ता बोलता है, वो निजी बयान है। जब ये सरकार में थे, कैबिनेट मंत्री बोलता था, सरकार कहती थी निजी बयान है। राहुल गांधी जी ने कोविड बोल दिया, कोविड को निजी बयान है। अरे क्या निजी है क्या सार्वजनिक है, समझ ही में नहीं आता है। अब जहां तक इनको इस बात पे आपत्ति है कि वो गुजरात के नमक की बात, तो मैं पूछना चाहूंगा, ये गांधी जी नमक सत्याग्रह कहां किए थे? ये बंगाल में किए थे जाके क्या? अरे जो यथार्थ है उसमें कौन सी ऐसी समस्या है? अगर छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और छत्तीसगढ़ धान में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कांग्रेस की सरकार हो गई, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा नहीं रहा। तो अगर गुजरात का नमक में था और गांधी जी ने उसको प्रतीक माना, नमक सत्याग्रह क्यों था? इसीलिए था क्योंकि वह एक संदेश था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि यह छोटी सी चीज है, मगर इस छोटी सी चीज पर पूरा देश आजकल एक हो गया है। मगर अफसोस कि गांधी के एक में स्वयंभू होल एंड ओनली वन एंड ओनली एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर्स आज वह भी भूल जाते हैं और यह भी भूल जाते हैं। और राष्ट्र महामहिम राष्ट्रपति का अपमान करने का कोई मौका, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे अजय कुमार हो, चाहे उदित राज हो, यह कहके अपना व्यक्तिगत बयान कहके पल्ला झाड़ ले।